I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज पाकिस्तान को दो सबक मिले, एक सबक मिला है इस्लामाबाद में और दूसरा श्रीनगर में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक में दुनिया भर के देशों के बीच पाकिस्तान से दो टूक कहा कि आतंकवाद छोड़ दीजिए, क्योंकि आतंक और कारोबार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी ओर आज ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने शपथ ली है, उमर अब्दुल्ला सूबे के मुख्यमंत्री बन गए और इसी के साथ पाकिस्तान को यह सबक भी मिल गया कि वो चाहे लाख साजिशें कर ले, भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कश्मीर में कोई ना पाक साजिश नहीं चलने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। सुन रहे हैं शहबाज शरीफ, सुनिए क्योंकि इस अलार्म को सुनने में ही आपकी भलाई है और इसी में पाकिस्तान की भलाई है। और हम भला ये बात क्यों कह रहे हैं, इसे सुनने और समझने के लिए दो तस्वीरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तरफ इस्लामाबाद की तस्वीर है तो दूसरी तरफ कश्मीर की तस्वीर है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में जहां भारत ने ये पैगाम दिया कि आतंकवाद और कारोबार साथ साथ नहीं चल सकते, वहीं कश्मीर से आई तस्वीर इस बात की पुष्टि करती है कि भारत का लोकतंत्र नापाक साजिशों के बावजूद और मजबूत होकर उभरा है। इस्लामाबाद के संदेश में जहां हताश होते पाकिस्तान के लिए एक मौका है, वहीं कश्मीर की तस्वीर उसके लिए सबक है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि वेक अप शहबाज शरीफ, अब नहीं जागे तो देर हो जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री ने इस मंच से कहा कि अगर आतंकी घटनाएं जारी रहेंगी तो फिर व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यानी जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को बड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपसी सहयोग का जो आधार है वो एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान से जुड़ा है। हर सदस्य देश को चाहिए कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का जो सम्मान है वो करे। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के तौर पर एससीओ के सामने की तीन प्राथमिक चुनौतियों से जो लड़ाई है उसका जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि अगर सीमा पार से आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ की गतिविधियां चलाई जाती रहीं तो फिर व्यापार, ऊर्जा के प्रवाह और कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इन सब बातों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता, इन सब बातों पर जोर नहीं डाला जा सकता। जयशंकर ने एससीओ देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और अच्छे पड़ोसी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि एससीओ संगठन के सामने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ से लड़ने की साझा चुनौती है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम यहाँ ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया संकटों से गुजर रही है, दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं और उनका पूरे विश्व पर नकारात्मक असर हो रहा है। विदेश मंत्री ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और ऊर्जा में सहयोग की बातें कही, संस्कृति, शिक्षा और खेल का जिक्र किया और ये भी कहा कि अगर विश्वास की कमी है, दोस्ती कम हो गई है और अच्छे पड़ोसी की भावना गायब है तो निश्चित रूप से आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। ये तभी संभव है जब हम पूरी ईमानदारी से अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। और हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि वेक अप शहबाज शरीफ, अब नहीं जागे तो देर हो जाएगी, क्योंकि अरसे बाद भारत ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को वो नसीहत दी है जिसमें पाकिस्तान का ही फायदा छिपा है।
चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीन को कड़ा संदेश इस मंच से ज़रूर दिया। कहा कि बहुपक्षीय सहयोग तभी संभव है जब कोई देश अपना अलग एजेंडा चलाने की कोशिश न करे, अलग एजेंडा लेकर न चले। जब तक संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं होगा तो फिर रिश्तों की मजबूती की जो बात है वो बेमानी होगी। गौरतलब है कि कल ही चीन और पाकिस्तान ने अपने साझा बयान में कश्मीर शब्द का जिक्र किया था। विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में सीपेक के रूप में भारत की संप्रभुता पर जो चोट करने की, जो उसके उल्लंघन की कोशिश हुई है, उस पर भी एक आपत्ति जो है वो जताई, लेकिन सीधे शब्दों में नहीं, इशारों में। इन बातों के अलावा विदेश मंत्री ने जलवायु परिवर्तन और पर जो भारत की कोशिश है उसका जिक्र किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी जो है इस मल्टीलैटरल फोरम पर उठाया। तो आपने देखा किस तरह से अलार्म जो है उसकी घंटी बज रही थी और शहबाज शरीफ को अब वाकई में चेत जाने की ज़रूरत है। लेकिन भारत की हर घटना पर पाकिस्तान की पैनी नज़र होती है। भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान में जाना वहाँ के लिए भी बहुत अहम खबर है। इस पर वहाँ के आम और ख़ास लोगों की भी नज़र है और उनकी क्या सोच है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान आना पड़ोसी मुल्क के लिए अपने आप में एक बड़ी खबर रही। विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद इस यात्रा की खास तस्वीरें शेयर की। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग कैंपस में सुबह की सैर की यह तस्वीर देखिए। विदेश मंत्री ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, उच्चायोग की टीम के साथ मॉर्निंग वॉक। इसी तरह विदेश मंत्री ने भारतीय उच्चायोग के कैंपस में अर्जुन का एक पौधा लगाया और इसकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, एक पेड़ माँ के नाम। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अभियान को शुरू किया है उसकी पहुंच सरहद के उस पार भी हो गई। लेकिन सरहद के उस पार पाकिस्तान के आम लोग भी SCO बैठक पर नजर बनाए हुए थे। खास तौर पर उन्हें भी इंतजार होता है कि भारत ऐसे मंचों पर क्या बोलता है, और वो भी तब जबकि पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक और दूसरे कई मोर्चों पर अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। हमने पाकिस्तान की पत्रकार आसमा शिराजी से पूछा कि वो पाकिस्तान में खड़ी होकर भारत के विदेश मंत्री की यात्रा को कैसे देखती हैं। एजेंडे पे बात हुई, भारत ने आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया, लेकिन वो एक चैलेंज के तौर पे उठाया क्योंकि आतंकवाद का कंसर्न जो है वो न सिर्फ भारत को भी बल्कि दुनिया के तमाम देशों को उस पर असर डालता है, तो उस लाइट में जो है वो उसका जिक्र भी हुआ। दूसरी तरफ मैंने भी ये नोट किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने के शब्द के इस्तेमाल से वो बचे और कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे कि उकसावे की बात मानी जाए। बिल्कुल, एक तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा था ना जिसमें कि रीजनल कोऑपरेशन की बात करनी थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा हर प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे होते वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर बात होती है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने मुल्कों में वापस जाना होता है, उन पर प्रेशर है, उनके वोट का प्रेशर है, उनके मीडिया का प्रेशर है, इन्वायरमेंट का प्रेशर है। लेकिन ये एक दिलचस्प बात है, इस दफ़ा इस तरह का कोई प्रेशर जो है वो लीडर्स ने नहीं लिया और किसी और मसले पे बात नहीं हुई, मसलों पे बात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर SCO बैठक में शामिल होने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और वहां उन्होंने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO समिट में शामिल होने से पहले ग्रुप लीडर्स के साथ फोटो सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर है। SCO बैठक के बाद लंच के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक साथ एक टेबल पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कुछ अनौपचारिक बातचीत भी हुई है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने पाकिस्तान में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस बारे में खास बातचीत की है, आप भी जरूर सुनिए।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ बैठक का जो कल आगाज़ हुआ था उसका आज समापन हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलोच जी हैं। हमारे विदेश मंत्री ने भाषण के शुरुआत में ही इस बात की मुबारकबाद दी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कि आपने कामयाब आयोजन किया, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें भी की है एससीओ चार्टर को लेकर। आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण किस तरह का लगा? देखिए, ये जो एक कॉन्फ्रेंस थी एससीओ की, ये पाकिस्तान ने एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग की चेयरमैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में होस्ट की थी, और हमें बहुत खुशी है कि तमाम कंट्रीज़ इस कॉन्फ्रेंस में आए, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, और पाकिस्तान एक बहुत ही खुले दिल के हॉस्पिटेबल पाकिस्तानी लोग हैं, और हम अपनी हॉस्पिटैलिटी को हमने वहाँ पे भी जो भी लीडर्स आए उनको भी प्रेजेंट की, और हमें इस चीज़ से एक सेटिस्फैक्शन है कि जो लीडर्स यहाँ आए वो यहाँ से पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटीज़ को एंजॉय कर सके और एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सके। आज कश्मीर में पाकिस्तान की ये तस्वीर ज़रूर देखी जा रही है, पाकिस्तान में कश्मीर की तस्वीर भी देखी जा रही है। आज उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, और ये तब है जबकि पाकिस्तान ना तो अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहा है और ना ही कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली उसे सुकून दे रही है। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully... ऐसे वक्त में जब सीमा के इस पार 54 साल के उमर अब्दुल्ला ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखने की शपथ ली, तब पाकिस्तान कहने को लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद घोर राजनीतिक अस्थिरता के हालात से गुजर रहा है। बुधवार की सुबह जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और सुरिंदर चौधरी को सूबे का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इन तस्वीरों पर पाकिस्तान ने भी गौर किया होगा और इन बयानों को पाकिस्तान ने भी सुना होगा। पांच छह साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएं। तो जो आपकी जो घोषणा पत्र में कही वादे हैं उनको क्या आप निभा पाओगे? हमने अगर वादे किए हैं तो सोच समझ के किए हैं, मेरी लीडरशिप ने सोच समझ के किया है, नेशनल कांफ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो निकाला है उसमें जो वादे किए हैं हम पूरे क्यों नहीं करेंगे, इसलिए तो किए हैं, पूरे करने के लिए किए हैं, हमने खाली जुमले करने के लिए थोड़ा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के साथ साथ जम्मू क्षेत्र को कैबिनेट में जगह देकर सियासी और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा दो हिंदू समुदाय के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देकर सामाजिक संतुलन भी साधा है। दक्षिणी कश्मीर के दमाल हांजीपुरा से जीत कर आई सकीना इट्टू को भी कैबिनेट में जगह मिली। चिनाब घाटी से जावेद राणा को मंत्री बनाया गया। उत्तरी कश्मीर से जावेद डार आए हैं जो राफियाबाद से विधायक हैं। जम्मू इलाके से सतीश शर्मा हैं जो एनसी कांग्रेस गठबंधन का समर्थन करने वाले छंब से निर्दलीय विधायक हैं। वैसे दक्षिणी कश्मीर का इलाका महबूबा मुफ्ती का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के गढ़ में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। आज बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और एक लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है, और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए,
खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। वैसे अभी कैबिनेट में 3 जगहें और खाली हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में मध्य कश्मीर के इलाके से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी कैबिनेट में जगह बनाकर रखी गई है। मंत्री पद सीट समीकरण की चर्चा तो होती ही रहेगी क्योंकि ये धड़कते हुए लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन सीमा के पार का राजनीतिक घटनाक्रम सीमा के उस पार एक संदेश भेज रहा है, एक अलार्म बज रहा है। इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के हुक्मरान इस अलार्म को सुन रहे हैं क्या? शहबाज शरीफ के लिए इस शपथ में एक सबक छिपा है। क्या वो आतंकी गतिविधियों के षड्यंत्र को इतिहास के कूड़ेदान में दफन करने को तैयार हैं? जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है।